राजीव वर्मा काफी दिनों बाद गाइस आज आपके लिए लेके गए माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द अनलिमिटेड आयरन फार्म गाइस लिटरली अरे काफी ज्यादा फास्ट काम करता और कहते 1.19 के वर्जन में वर्क करेगा, साथ ही साथ 1.20 में भी वर्क करेगा। इसलिए वीडियो को पहले से सेव कर लो एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। भाई ये फार्म बनाने के लिए पहले यार विलेजर से मतलब विलेज से 200 ब्लॉक दूर आने का, 200 ब्लॉक दूर आने के बाद 2 चेस्ट लगा देना सिंपल से ऐसा, पीछे जाकर 4 होपर लगा देना, मेरे तरह चेस्ट नहीं खोलना आपको, 4 होपर लगा देना कुछ इसी ऐसा, उसके बाद 3 यहाँ से ब्लॉक लगाना। भाई यार हट जा यार, 1 हो गया 2 3 कुछ इस तरीके से, यहाँ से भी 3 3 ब्लॉक का कवर करना है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद सामने यार चेस्ट के ऊपर यार ग्लास ब्लॉक लगाने का है, उसके बाद अंदर यार 4 साइन बोर्ड लगा देना, जैसे कि 2 में लगा दिया 2 यहाँ, 1 बकेट अपने लावा डाल देना, जिससे कि अपना क्लिंग चेपल यार रेडी हो जाएगा। फार्म काफी ना ओपी काम कर देखो और काफी ना प्यारा लग रहा है, आधा ही बना जबकि अपना फार्म यहाँ से साइड पर ना, यहाँ से अपने को यार 7 ब्लॉक एक्सटेंड करना है। वापस सर को बता दू 7 ब्लॉक मतलब 7 ब्लॉक आपको लगाना है, वापस आप गिनना चाहते तो यार गिन भी सकते हो, जैसे कि देखो कुछ इस तरीके से मैं गिन रहा हूँ, लेकिन यहाँ का नहीं भी आना, यहाँ का आके आपको साइड पे यार 7 ब्लॉक लगा लेना, बल्कि साथ ही लगाना एक्स्ट्रा नहीं लगाना, पीछे पे आना यहाँ भी 7 ब्लॉक लगा लेना, जल्दी से लग जाए यार कुछ इस तरीके से लग चुका है यार। आपको ऊपर दिखाते तो ऐसा देखिएगा एंगल, तुरंत इसको फिल कर लेता हूँ, जैसे कि देखो पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया हूँ, खुद किसी भी एक कोने पे आना, नीचे 1 ब्लॉक लगाना, ऊपर 2 ब्लॉक कुछ इस तरीके से, तो 2 2 ब्लॉक के हाइट कर बॉर्डर से कवर कर लेना है। जब तक कवर है तब तक वीडियो को लाइक कर दो। देखो और कुछ इस तरह से कवर हो चुका है, उसके ऊपर यार आप यार लगा देना, कवर होने के बाद भाई लीव्स लगा देना बस, उसके बाद देखो और कुछ इस तरह से फार्म बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कने आने का, यहाँ कने आने का, उसके बाद 1 उसके बाद 2 आएंगे 3 आएंगे 4th ब्लॉक कुछ इस तरह से देखिए, 4th ब्लॉक को 4 ब्लॉक यहाँ कने लगाना, जैसे कि देखो और लगा दिया मैं 4 ब्लॉक, लेकिन यहाँ से 3 ब्लॉक लगाना ऐसा आएंगे, यहाँ से भी 3 ब्लॉक, अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं होगा तो वापस से आप देख सकते हो, यहाँ से भी 3 3 ब्लॉक लगाना, मतलब 4 से 3 3 ब्लॉक लगाना आएंगे, प्लेटफॉर्म बना लेना। देखो और प्लेटफॉर्म तो बन चुका कुछ इस तरीके से ऐसा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बेड ले लेना कोई सा भी आएंगे, यहाँ कने 7 बेड लगाना पहले कुछ इस तरीके से ऐसा आएंगे, यहाँ से भी 7 बेड कुछ इस तरीके से लगाना, टोटल यार 14 बेड लग जाएगा। उसके बाद वापस उल्टा होने का है कुछ इस तरीके से ऐसा, यानी बैट को जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही लगाना, वापस यहाँ से 6 बेड लगा लेना, टोटल यार फुल्ली 20 बेड लग जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसा, एंगे सारे के ऊपर गए ग्लास ब्लॉक से कवर कर देना, जितना भी प्लेटफॉर्म बनाया था सारे को ग्लास ब्लॉक लगा देना, सारे पैर ग्लास ब्लॉक लग जाएगा। उसके बाद कोने पैर 3 3 ब्लॉक के हाइट का थोड़ा सा बॉर्डर टाइप का बना देना, जिस जगह पर बाद में इन फ्यूचर कवर करें इसको, इन फ्यूचर क्यों यही वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद 5 5 फ्लचिंग टेबल लगा देना 4 साइड के, जैसे कि देखो इस साइड 5 लग जाएंगे यहाँ भी एंड यहाँ का भी 5 लगा देता, देखो 5 फ्लचिंग टेबल लग चुका है। उसके बाद आप यार कुछ नहीं करना, ग्लास ब्लॉक से कवर कर लेना, जैसे कि ग्लास ब्लॉक से कवर हो जाएगा उसको 2 विलेजर लेकर आना एंड ब्रेड पोटैटो कैरेट कुछ भी चीज दे सकते हो, जिससे कि अपना विलेजर ट्रेड करे, मतलब कि ट्रेड की पूरा ब्रीड करे, ब्रीड करने के बाद बेबी विलेजर आएगा। तो थोड़ा टाइम वेट करो, तब तक यार वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो में एम रखता हूं 1000 लाइक का, मतलब कि 1000 लाइक कर दो, जिससे कि और बेबी विलेजर हुआ ऐसे काफी सारे विलेजर लोग ट्रेड कर देंगे। उसके बाद यार जैसे कि अगर ग्रीन वाला विलेजर आएगा इसको मार देना, ये गाइस ग्रीन वाला विलेजर आपके फार्म को बिगाड़ सकता है। तो देखो 20 विलेजर हो चुके कुछ इस जगह ऐसा, लेकिन अंदर टॉर्च लगा देना, वैसे भी यार ग्लास पे मॉब स्पॉन नहीं होते, फिर भी यार टॉर्च लगा देना, कभी कभी ग्लिच से या लैग से हो जाते। उसके ऊपर यार इसके ऊपर छत बना देना, जो कि यार अपने को बनाना है स्लैब से, स्लैब के ऊपर गाइस आपको लूज लगा देना, ताकि यार इसके ऊपर भी एरन गोलम स्पॉन ना हो करके। यार देखो फुल्ली फार्म बनकर अपना रेडी हो चुका है, 2 2 आयरन गोलम स्पॉन हो चुके, और कैसे मैं बता दूँ लिटरली काफी ना फास्ट काम करता है। सारे ब्लॉक को नीचे का रिमूव कर लेना है, तो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद साइड पर आना, अनलिमिटेड वाटर सोर्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक एक कोने में एक एक बकेट वाटर डालेगा तो अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा। उसके बाद इस कोने पे आना है, 1 बकेट ऑफ वाटर डालना है, उसके बाद यार 1 ब्लॉक छोड़ना है, फिर 1 बकेट ऑफ वाटर डाल देना है, सेम गाइस यही प्रोसेस करते जाना, 1 1 ब्लॉक छोड़कर वाटर डालते जाना, जैसे कि मैं डाला यहाँ करेंगे, लास्ट पैर कोने पे डाल लेना, उसके बाद यहाँ से 1 ब्लॉक एंड गाइस, उसके बाद दूसरा ब्लॉक आएंगे, तीसरा ब्लॉक, ये गाइस 3 ब्लॉक छोड़ देना, उसके बाद 4th ब्लॉक पर गाइस 1 बकेट ऑफ वाटर डाल लेना, और वापस यार सेम प्रोसेस करना, 1 ब्लॉक छोड़ना है, उसके बाद वाटर डाल देना। जब तक गाइस मैं वाटर डालू तब तक यार वीडियो को सारे के सारे लाइक कर दो, और 1000 लाइक का एम रखा था, वापस से बता रहा हूँ, काफी ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप 1000 लाइक करने में क्या ही जाएगा, तो लाइक कर दो यार, जैसे कि यहाँ तक का वाटर पूरा डल जाएगा,
उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कोने प्यार यहाँ करना वाटर बचेगा, यहाँ करके दो बकेट वाटर डाल देना कुछ देर से, ऐसा एंगस आपका फार्म बन के रेडी हो चुका। एंगस 100% 1000% मैं बता सकता हूँ काफी फास्ट काम कर सकता है एंगस। अगर आप अपने फार्म के दूर भी चले जाओगे, 100 ब्लॉक भी दूर चले जाओगे तो भी आपका फार्म वर्क करेगा एंगस। यकीन है 1 घंटा आप AFA कर लेना है एंगस, आपका पूरा का पूरा चेस्ट भर जाएगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा टाइम से ये फार्म बना रहा हूँ, इसका फिर मस्त फार्म है। और ये फार्म मेरा ऑफिशियल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फटाक से कर लो।